हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कि पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉली मतलब होता है बहुत, मतलब मैनी, और नोमियल मतलब होता है पद, मतलब टर्म्स। ठीक है, पॉली मतलब बहुत, नोमियल मतलब पद, यानी कि बहुत, जिसमें बहुत सारे पद हों वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। मान लो हमने एक बहुपद लिख दिया 3x² + 5x - 2। अब ये जो तुम्हारा होगा ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद देखो कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें x/y, तो क्या ये एक टर्म होगा, होगा मतलब ये एक बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बहुपद इसमें कितने टर्म्स हैं, ये पूरा एक ही तो है ना। और बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुपद में बहुत सारे टर्म, ये बहुत सारे टर्म किससे मिलके बने होते हैं, या तो उनके बीच में प्लस आएगा या उनके बीच में माइनस आएगा। जैसे 5x + 3, तो इसमें देखो कितने पद हैं, एक ये पद है और एक ये पद है, तो ये दो मिलके बहुपद हो गए ना। ठीक है, बहुपद ये होता है। ठीक है, बहुपद बहुत, अब बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कि बहुपद कैसे होंगे। तो बहुपद की एक बहुत अच्छी पहचान होती है, जो लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन सा होता है। एक हम ऐसे ही बहुपद लिख लेते हैं 9x² + 3x + 1। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जानते हो। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है, और नॉन वेरिएबल जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो ये एक हमारा बहुपद है, तो इसमें हमको ये बताओ कि वेरिएबल कौन सा है और नॉन वेरिएबल कौन सा है। चलिए मैं ही बताता हूँ, जो नॉन वेरिएबल होता है क्या, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो ये जो 9 लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है, तो इनकी वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि 9 यहाँ पे इंडिया में भी 9 है, अमेरिका में भी 9 है, और इटली में भी 9 ही है, तो इन सब की वैल्यू नहीं बदलती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब देखो इसमें x² लिखा है, x लिखा है, तो ये लोग पलटी मार जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हम लोग x की जगह पे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस, ठीक है, हम x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, अलग अलग वैल्यू आ सकती है, इसलिए ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जिसके साथ में x नहीं लगा होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता, हमें किसी भी वक्त नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, ये बहुपद है या नहीं है। जो हमारी x की पावर होती है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है 9x² + 3x + 1, तो इसमें जो x की पावर है सब में देखना, इसमें भी देखना, इसमें भी देखना, इसमें तो है नहीं, तो जो x की पावर है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है कोई, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर x की पावर पॉजिटिव है, या ऐसे हमारा कोई लिखा है 5y² + 3, अब इसमें तो कहोगे सर जी इसमें तो x है ही नहीं, तो अब क्या देखें, तो इसमें भैया y आया है, तो इसमें y की पावर देखेंगे कि y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अगर ये पावर हमारी पॉजिटिव होती है तो बहुपद होगा, अगर मान लो बहुपद है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ जाए 5x² - 3x की पावर -1 + 1, तो अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो आप लोग कहोगे सर जी x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए बहुपद होगा, लेकिन नहीं, हमको ये पूरा टर्म
पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो चलो पॉजिटिव में है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये क्या है? निगेटिव है। तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पेपर में बहुपद नहीं है, तो इसकी ये पहचान होती है। और जो एक्स की पावर वो होती है, वो हमें फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे 2/4 लिखा है, तो देखो 2 + 2 = 4, अगर कट रही है तो ये 1/2 के फॉर्म में आ गया, तो इस रूप में नहीं कि एक्स की पावर 1/2 या एक्स की पावर 3/2 या एक्स की पावर अगर ऐसे है 4/2, तो ये डिवाइड हो गया, 2 आ गया ना, तो इस ये एक्स की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो ये होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन कट रहा है और एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो वो बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा अब हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखो हमने ये पॉलिनोमियल्स लिखे हैं 5t+2, 3x+1 या 2x+3। इसमें जो हमारी ये वेरिएबल होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं, अगर उनकी पावर 1 होती है तो वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो 5y² + 3y + 2 या 9a² - 2a+3। अगर इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं मैक्सिमम पावर, देखना किसमें मैक्सिमम पावर है। इसमें देखो यहाँ y की पावर 1 भी है 2 भी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम जिसमें भी अब मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 क्वाड का मतलब 2 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक मतलब क्या होता है, 3, तो क्यूब में 3 हो जाएगा। जैसे 5 - 3x + 2x² - 5x³। तो इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इस टर्म्स में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो, अब जो हमारे ये पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके अगर रूट्स पूछे, क्या रूट्स होता है या जीरोस, ठीक है, बुक में ये दोनों मिलते हैं वैसे, रूट्स या जीरोस, ठीक है। अगर पूछे कि ये तुम्हारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स बताओ क्या होंगे, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो रूट्स भी कितने होंगे 2। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये हमारी जो लेटी लेटी लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और खड़ी वाली लाइन वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, जो ग्राफ होता है कोई भी, मतलब जैसे ये है, मान लो कहीं भी आ सकता है, हमने अपने आप से ऐसे बना लिया है कि एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये याद रखना। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। तो अब इसमें हमको रूट्स बताने हैं कि इसके कितने रूट्स होंगे। तो ये जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है उतने ही रूट्स होते हैं। अब देखो, ये देखो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे। ये देखो, ये तो वाई है तो इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह होता है, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर कट कर रहा है, तो इसके रूट्स एक ही होंगे,
मतलब सेम सेम होंगे, ठीक है। एक होगा, ये भी एक जगह पर कट कर रहा है तो इसके भी रूट्स एक होंगे। बस एक्स एक्सिस को देखना कितनी जगह पर कट कर रहा है। जैसे ये है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, दो जगह पर। तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। वाई से हमें कुछ नहीं मतलब है, केवल एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है इससे मतलब है, तो दो हो गए। अब आता है क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनता है, तो ये एक दो तीन, तीन आ रहा है तो इसके थ्री रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने ही रूट्स होंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2, 2.1 में केवल उतना ग्राफ वाला ही पोर्शन था, ठीक है। अब 2.2 में हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके रूट्स फाइंड करने होंगे और उन रूट्स के बीच में क्या संबंध बताना होगा, कि क्या रिलेशन, मतलब वेरीफाई करना होगा, ठीक है, कि सही है या गलत। तो उसके लिए सबसे पहले और थोड़ा और डीपली जाते हैं। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और इसके दो रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा है और बीटा है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है उसमें केवल हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, लेकिन कई बुक्स में हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया, तो लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, दो हैं, तो हमको रूट्स निकालने होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में आगे कौन सा नंबर लगा होता है जो नॉन वेरिएबल होता है, ठीक है, वो। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, माइनस लगा दो, और एक्स के साथ में बी है, तो मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। लेकिन ऐसे तुम लोग याद करोगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड प्रोडक्ट भी होता है इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा, ये जो सी है, सी और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारा हो गया। कभी कभी हमें दो मूल दिए गए होते हैं और हमसे क्या पूछ लेता है, मतलब दो रूट्स दिए गए तो हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लेता है, ठीक है। जब दो रूट्स दिए गए हों और हमसे क्या पूछ ले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लेता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट आर अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब कोई दो रूट्स दिए गए उनसे मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड करने के लिए कहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर हमें दो मूल दिए गए हैं तो, ठीक है। अब जैसे ये हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, चलो हम अभी आपको बताते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3 और नहीं, यहीं पे चलते हैं। जैसे हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दिया है, ठीक है। इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, इससे कह रहा है कि हमको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। तो देखो क्या करते हैं, पहले तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स क्या कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखो इसकी कम जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी कंपैरिजन हम लोग अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कराते हैं, ठीक है। या ऐसे देख लो कि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया। अपॉन में कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, 3, तो ये मूलों का योगफल हो गया। अगर हमसे कहते मूलों का मतलब गुणनफल निकाला, प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 2 है, और बीटा बीटा क्या वो अपॉन में क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया। तो ये हमारा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकल आया है, ठीक है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा इसका, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पहले इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही होता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। मतलब कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, उसके हमें रूट्स निकालने होंगे और जो वो रूट्स आएंगे उनको हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं लेट, ठीक है, कि ये एफ एक्स बराबर हमको कोई रूट्स दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया माइनस 4x माइनस 3। अब क्या करते हैं, अब नाउ एफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर है, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको भी करना है, एफ एक्स को क्या कर लिया हम लोगों ने, 0 के बराबर कर लिया। अब देखो क्या होता है, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, फोर है ये हमारा क्या है, 4 है। अब हम में इसको देखो अब क्या करेंगे कि इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या आया, 12 आया, ठीक है, ठीक है ना। अब ये 12 जो है इसको हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, माइनस का, अगर माइनस करें जहाँ ये साइन जिसका होगा वही चीज़ करने पे आएगी। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो संख्या माइनस करने पे 4 आए, अगर यहाँ प्लस करेंगे प्लस का साइन होगा तो ये प्लस करने पर आए, ठीक है। तो कौन कौन सी वो संख्या होगी, कौन की दो संख्या ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 4 आए, 6 और
टू, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा और इसको अगर माइनस कर दें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 4x² माइनस 4 की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 6 माइनस 2 और ये x बाहर लगाइए इक्वल टू 0। अब देखो 4x² माइनस का इसमें मल्टीप्लाई 6x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हारा, अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, यहाँ पे तुम्हारा 2 कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया, तो ये बचा 2x माइनस 3 प्लस का यहाँ 1 कॉमन हो गया, ये 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो रहा है इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, तो ये हो गया। अब इन दो, इसमें से और इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन है और ये बचा क्या, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर दो, एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर दो, ओके यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, तथा ये x की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो यहाँ पे हमें दो रूट मिल गए, x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई देखो कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का a अपॉन बी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक और कोफिशियंट ऑफ b मतलब x का गुणांक b। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मूल निकल के जो आए हैं उनको, उनकी वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमें दिया है a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 4 है, तो यहाँ पर माइनस लगा है, ये 4 हो गया अपॉन कोफिशियंट ऑफ बी का कोफिशियंट क्या है, माइनस का 4। ठीक है, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे नीचे सेम है तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेंगे आसानी से माइनस कर गया, पूरा से पूरा कर गया, तो इधर बचा 1। ठीक है ना, और इधर बचा 3+1 4/2 इक्वल टू 1। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर एक चीज़ गलत हो गई है, ये 2x+1 है। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये माइनस में आ गई, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 तो 1 इक्वल टू 1, तो मतलब ये वाला वेरीफाई हो रहा है। अब ऐसे इसका प्रोडक्ट वाला निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है, कॉन्स्टेंट ये है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3 और ए 4। ठीक है, पहले फार्मूला लिख दो, सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, ए की वैल्यू क्या है, 4, तो माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का 3/4, तो इसके गुणांकों में क्या रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। आज के लिए बस इतना ही, और अगले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है।